Subscribe Tag TV YouTube channel and press the notification button. भारत से दुनिया को बहुत सारी उम्मीदें हैं। आखिर उम्मीदें क्यों ना हो, दुनिया की सबसे पुरानी सिविलाइजेशन और सबसे सिविलाइज्ड नेशन। आज के समय में जब हम टेक्नोलॉजी के, इंटरनेट के दौर में जी रहे हैं, तो एक ऐसी दौड़ लगी हुई है जिसमें हमें अपने आप को रिविज़िट करना पड़ता है। जब हम उस रीजन में देखते हैं तो चाइना ने अपनी पॉलिसियों की वजह से, अपने रवैयों की वजह से बहरहाल तरक्की की, उनके तरीक़ाकार से हम एग्री नहीं करते, लेकिन वो अब रीजन में भी चैलेंज है और पूरी दुनिया में भी चैलेंज है। और भारत का सबसे बड़ा असासा हमेशा से एजुकेशन रहा है, साइंस और टेक्नोलॉजी की इनोवेशन रहा है। भारतीय साइंस और टेक्नोलॉजी की इनोवेशन में पाइनियर्स हैं। आज मेरी खुशकिस्मती है कि एक ऐसी ही शख्सियत मेरे साथ वीडियो लिंक पर मौजूद हैं, जो साइंस और टेक्नोलॉजी का, इनोवेशन का जो काउंसिल है भारत के प्राइम मिनिस्टर जनाब नरेंद्र मोदी जी का, उसके भी मेंबर हैं और नामवर साइंटिस्ट हैं। मैं वेलकम करता हूं जनाब सुभाष काक साहब का। सर, बहुत शुक्रिया आप हमें वक्त दे रहे हैं। हमें जानना है वाकई कि हमारी इतनी पुरानी सिविलाइजेशन और इतनी जानदार सिविलाइजेशन, सिर्फ सिविलाइजेशन नहीं, सिविलाइज्ड नेशन का भी हमारा रोल रहा है। कभी दुनिया पे हमला नहीं किया, कभी दुनिया को तंग नहीं किया, बल्कि खुद ही तंग हुए हैं। तो सर, आप इस वक्त बहुत ही अहम पोजीशंस में हैं, प्रोफेसर भी हैं ओक्लाहोमा यूनिवर्सिटी में, और कंप्यूटर साइंस की दुनिया के आप एक बड़ा नाम हैं, फिज़िक्स की दुनिया का बड़ा नाम है। मैं किस शोबे को टच करूं और आप वहाँ नहीं हैं तो ये एक अलग बहस है। हिस्ट्री जो साइंस की इस वक्त लिखी जा रही है, उसमें भी आपका इतना अजीम रोल है। तो सर, आज का जो भारत है वो साइंस और टेक्नोलॉजी की सतह पर आपको कहाँ खड़ा नज़र आता है? देखिए, इस वक्त पूरी दुनिया में जो कुछ हो रहा है एक ट्रांजिशनल पीरियड है, और वो ट्रांजिशनल पीरियड इसलिए है क्योंकि एआई और ऑटोमेशन की वजह से जो नौकरियां हैं दुनिया में लोगों की, वो तो अब धीरे धीरे गायब हो जाएंगी। तो इसलिए बहुत ही प्रेशर्स सोसाइटी पे सब मुल्कों में आएंगे, और इन प्रेशर्स को कैसे हर एक देश इनके साथ कैसे डील करे, वही बताएगा कि कौन सा देश आगे तरक्की करेगा और कौन सा देश पिछड़ जाएगा। और मुझे लगता है कि भारत एक अच्छी सिचुएशन में है, और उसके कई वजह हैं। एक तो ये है कि इस समय PPP परचेजिंग पावर पैरिटी की टर्म्स में भारत या हिंदुस्तान इस वक्त तीसरी जगह पे है। चीन पहले नंबर पे, अमेरिका दूसरे नंबर पे और भारत तीसरे नंबर पे। और ये मान्यता है इकोनॉमिस्ट की कि अगले 10 साल में ये चीन हिंदुस्तान अगले 5 या 6 या 10 साल में ये जो दूसरी और तीसरी पोजीशन है वो बदल जाएगी, और ये चीन हिंदुस्तान और अमेरिका और उसके आगे और 10-15 साल में हिंदुस्तान अमेरिका हिंदुस्तान चीन को भी पीछे कर देगा। तो 2050 में हिंदुस्तान पहली पोजीशन में होगा। तो इसलिए हिंदुस्तान काफ़ी अच्छी पोजीशन में है, भारत अच्छी पोजीशन में है, और जो कुछ सिविलाइजेशनल फैक्टर्स हैं वो हिंदुस्तान को हेल्प करते हैं। और वो सिविलाइजेशनल फैक्टर क्या है इस वक्त, क्योंकि जॉब डिसअपीयरेंस जो हो रही है पूरी दुनिया में, उससे कई कल्चरल प्रेशर्स भी आ रहे हैं। काफ़ी यंग लोग में डिप्रेशन है। देखिए, अमेरिका में जो कि दुनिया का सबसे ज़्यादा अमीर देश है, इसमें टिपिकली हर साल
कोई 70,000 लोग ओपियोइड ओवरडोज से मर रहे हैं। क्यों मर रहे हैं? ये लोग यंग हैं, 30s में हैं, 40s में हैं, उनके बच्चे हैं, गुड लुकिंग हस्बैंड्स वाइव्स, तो इसलिए मर रहे हैं क्योंकि जो प्रेशर्स जॉब्स के या जॉब्स ना होने के हैं उससे लोग एडिक्शंस में जा रहे हैं। डिफरेंट किस्म की एडिक्शंस हैं, उनमें से एक तो सब्सटेंस अब्यूज़ की एडिक्शन है, और एडिक्शंस भी हो सकती हैं बिहेवियरल। तो उसमें जो हिंदुस्तान की सिविलाइजेशन है और कल्चर है, वो उसमें जो रिजिलियंस है, क्योंकि वो केवल बॉडी शरीर को ही नहीं देखता है, वो देखता है कि ह्यूमन डेवलपमेंट में बैलेंस होना चाहिए, हार्मनी होनी चाहिए बॉडी और स्पिरिट के बीच में, आउटर वर्ल्ड और इनर वर्ल्ड में। और वही कल्चर के कई एस्पेक्ट्स हैं जो कि हर एक आदमी को ऐसे टूल्स देते हैं जिससे कि वो इन प्रेशर्स के साथ डील कर सके। तो मुझे ये लगता है इस वजह से। और दूसरी वजह ये है कि साइंस जो है उसने जो आउटर वर्ल्ड को काफ़ी कुछ ठीक तरह से समझ लिया है, लेकिन जहाँ तक कि इनर वर्ल्ड है, जहाँ तक कॉन्शियसनेस है, उसके बारे में साइंस बिल्कुल कुछ नहीं समझती है। अलबत्ता काफ़ी कुछ अटेम्प्ट्स हो रही हैं न्यूरोसाइंस से, फिजिक्स से, लेकिन उसकी कोई समझ नहीं है। और जो ये कॉन्शियसनेस की मिस्ट्री है, यही भारतीय संस्कृति का फोकस है। जैसे वेद भी कहते हैं कि जो वेद है वो आत्मविद्या है। आत्मविद्या का मतलब साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस, साइंस ऑफ आत्मा। और फिर जो साइकोलॉजी भारत में है, योग और या योगा की जो साइकोलॉजी है, वो भी बॉडी और स्पिरिट का कैसे हार्मनी हो। जो इंडियन मेडिकल सिस्टम है आयुर्वेदा, वो भी हार्मनी के बेसिस पे है कि जो तीन एस्पेक्ट्स होते हैं बॉडी में प्रोसेसेस के, उनकी हार्मनी कैसे हो। तो मुझे लगता है कि जो ये हार्मनी का इशू है, वही हिंदुस्तानी सिविलाइजेशन को स्ट्रेंथ देता है, जो कि बाकी सिविलाइजेशंस में, खासतौर पे वेस्टर्न सिविलाइजेशन में, जिनमें केवल मटेरियल डेवलपमेंट पे ही जोर है, उनमें वो चीज़ें नहीं हैं। इसीलिए आप ये समझ सकते हैं कि पूरे वेस्ट में इस समय योगा की इतनी ज़बरदस्त अट्रैक्शन क्यों है। दो तीन साल पहले मैं एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में था जिसमें सऊदी अरेबिया और ईरान की भी कुछ खातूनें थीं, और उन्होंने कहा कि सऊदी अरेबिया में भी योगा बहुत पॉपुलर हो गया है, ईरान में भी औरतें काफ़ी कुछ कर रही हैं। क्योंकि हर एक आदमी, चाहे वो किसी भी सिविलाइजेशन और कल्चर का हो, वो जो ट्रूथ है अपने पर्सनल और सोशल या यूनिवर्सल ट्रूथ को जानना चाहता है। और इसलिए क्योंकि अब हमें स्ट्रगल नहीं करना पड़ता है, फिजिकल जो बॉडीली नीड्स हैं, क्योंकि मटेरियल प्रॉस्पेरिटी तो दुनिया में है, और अगर जॉब्स भी चली जाएंगी, ये सब लोग समझते हैं कि हर एक को, सोसाइटीज़ को कुछ ऐसा पैसा देना पड़ेगा ताकि लोगों के पास खाना तो ज़रूर हो, खाना होगा और टेलीविज़न देखने के लिए पैसा होगा, ताकि हर एक आदमी चाहे पूरा सवेर से शाम तक टेलीविज़न देख सके और उससे ही उसको आराम मिले। तो इन सब पहलुओं को देख के ये लगता है कि लोग भारतीय संस्कृति की ओर देखेंगे, क्योंकि भारतीय संस्कृति ने, और ये यूनिवर्सल ट्रूथ्स हैं, हम ये नहीं कह रहे कि आपको किसी पर्टिकुलर मजहब भारत में के साथ जुड़ना है, ये यूनिवर्सल ट्रूथ्स हैं। जो जैसे योगा है, एक यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो इन स्ट्रेंथ्स के कारण भारत, मुझे लगता है, बिल्कुल सेंट्रल रोल दुनिया में अपनाएगा। और इकॉनमी भारत की, क्योंकि काफ़ी यंग लोग हैं और वो लोग जनरली लॉ एंड ऑर्डर को मानते हैं, तो इसलिए मैं तो काफ़ी पॉजिटिवली देखता हूँ भारत का रोल अगले कई सालों में।
सर आपने बड़ी अच्छी बातें बताई और हमें अच्छी उम्मीदें दी कि भारत बहुत आगे जाता नज़र आएगा। आज मैं बीट्स, एक इदारा है जो हमारा टैक टीवी का भी एक इनिशिएटिव है, भारत एजुकेशन एंड टेक्नोलॉजी सीरीज़, उस हवाले से जो हम देखते हैं कि चाइना इस वक्त एजुकेशन और टेक्नोलॉजी साइंस के मैदान में भारत से बहुत आगे है, भारत बहुत आगे जा सकता है और जाएगा भी, हमें पता है। लेकिन आज हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि कैसे जा सकते हैं, क्या इनिशिएटिव लिए जाएं, क्योंकि आप ना सिर्फ साइंस के एक मायानाज प्रोफेसर स्कॉलर हैं, इसके साथ साथ आप भारत की सरकार के साथ भी कंसल्टेंसी के लेवल पर जुड़े हुए हैं। जो यूनिवर्सिटियों का रैंकिंग है भारत में, वो हमें चाइना की निस्बत बहुत नीचे नज़र आ रहा है, चाइना के इस वक्त अपेरेंटली ज़्यादा नज़र आ रहा है, तो इस सारे डिफरेंस को हम कैसे पाटेंगे? देखिए, इस वक्त भारत में एक तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी का इनिशिएटिव है कि जो पॉलिसीज पहले 20 30 40 साल में अपनाई थी वो शायद कंड्यूसिव नहीं थी। उनमें से सबसे ज़्यादा मेरी समझ में ये सवाल है कि भारत में आपको साइंस एंड टेक्नोलॉजी करने के लिए सबसे पहले अंग्रेज़ी पढ़नी पड़ती है, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के लिए अंग्रेज़ी करनी पड़ती है, जबकि चीन में या कोरिया में या हंगरी में कोई भी जो डेवलप्ड कंट्री है उसमें सब लोग अपनी मदर टंग से ही साइंस सीखते हैं। तो साउथ एशिया में, भारत में, पाकिस्तान में कुछ ऐसी पॉलिसी अपनाई गई कि सबसे पहले आपको अंग्रेजी सीखनी है, तो इसलिए जो लोग एलीट हैं शहरों में हैं उनके लिए शायद अब तक अंग्रेजी मदर टंग बन गई है, तो उसकी उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन जो इसका मतलब है कि पूरे देश में, भारत में जो गांव में लोग रहते हैं उनके लिए साइंस में घुसना काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम बन जाती है। तो मेरी ये उम्मीद है कि भारत में जो मदर टंग में जो एजुकेशन है, और ये NEP नेशनल न्यू एजुकेशन पॉलिसी का हिस्सा है, जो मदर टंग में साइंस की एजुकेशन हो कॉलेज लेवल तक, इसका मतलब नहीं है कि हम लोग अंग्रेजी के खिलाफ हैं, अंग्रेजी भी लोग सीखें, लेकिन मदर टंग में कंप्यूटर प्रोग्रामिंग हो मदर टंग में और साइंस हो, ताकि जो अगले कई दशकों में जो रियल टेक्नोलॉजी होगी उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा प्रोग्रामिंग या एम्बेडेड हार्डवेयर के बेसिस पे होगा। तो ऐसा होना चाहिए कि किसी भी गांव में जो लोग हैं जो अंग्रेज़ी नहीं जानते हैं, और सब लोग अंग्रेज़ी नहीं जानेंगे। अब देखिए, जापान आप जाते हैं, वहाँ पे कितने दिनों से, कितने सालों से 100% लिटरेसी है, और वो लोग ठीक तरह से अंग्रेज़ी नहीं बोल सकते। और अगर आप सड़क में किसी से बात कर अंग्रेज़ी में बात करने की कोशिश करेंगे तो आप देखेंगे शायद केवल 5% या 10% लोग ठीक तरह से आपको जवाब दे सकें। तो इसलिए, और ऐसा भारत में भी है और रहेगा, तो इसलिए मुझे लगता है ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट एलिमेंट होगा कि मदर टंग में साइंस हो, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग हो। लेकिन जो भारतीय कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज हैं वो ज़्यादा पीछे चीन के नहीं हैं। जो रैंकिंग बनाई जाती हैं वो काफ़ी कुछ रेपुटेशन बेस्ड, और उसमें काफ़ी कुछ जो लोग वो रैंकिंग देते हैं उनका भी बेसिस होता है। तो उसका मतलब है, अगर आप ऐसे लोगों को क्वेश्चनियर भेजें जो कि आपकी यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए हैं, क्योंकि वो वहाँ पे शॉर्ट विजिट्स पे जाते हैं। जैसे चीन ने पिछले 20-25 साल से बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट किया है ताकि वेस्टर्न स्कॉलर्स और प्रोफेसर्स चीन 2-3 महीने के लिए विजिट करें, और उनको काफ़ी पैसा भी दिया जाता है। अगर आप अमेरिकन प्रोफेसर हैं और आप वहाँ 2-3 महीने के लिए जाएं तो आपको $1,00,000 वो 2-3 महीने के लिए देंगे। तो इसलिए जो लोग ये क्वेश्चनियर भरते हैं वो अगर आप उन यूनिवर्सिटीज़ में आपने दौरा किया है
तो आपकी ये टेंडेंसी होगी कि आप उनको ज़्यादा ऊपर रेट करें। मुझे तो लगता है कि हिंदुस्तानी यूनिवर्सिटीज इस वक्त चीन की यूनिवर्सिटी से ज़्यादा पीछे नहीं है। काफ़ी कुछ वहाँ पे भी बहुत कुछ रिसर्च हो रही है, और जो जैसे IITs हैं वो भी दुनिया की सबसे ऊंची यूनिवर्सिटीज़ में पहले 200 यूनिवर्सिटीज़ में तो ज़रूर आती हैं। तो हम एजुकेशन में, भारत एजुकेशन में ज़्यादा पीछे नहीं है मेरी समझ में। सर, ये भी बहुत अच्छी हमें खबर मिली, इसलिए कि आप तो उन मामलों से बराह रास्त जुड़े हुए हैं। सर, IITs की बात हो रही है, तो क्या आप समझते हैं कि उनकी लैब्स में जो फैसिलिटीज़ हैं और जो कुछ इक्विपमेंट चाहिए वो मौजूद हैं, या इस सिलसिला में आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कन्विंस करेंगे अपनी पोजीशन के बलबूते पर कि वो थोड़ा और उनको फैसिलिटेट करें? आपको कैसी सूरत हाल नज़र आती है? IITs में जो फैसिलिटीज़ हैं वो वर्ल्ड क्लास हैं, तो उनकी फैसिलिटीज़ में कोई कमी नहीं है। एक और जो वजह है कि चीन क्यों ज़रा आगे बढ़ गया पिछले 10-15 साल में, वो ये है कि चीन ने कुछ स्ट्रेटेजिक थिंकिंग की। उन्होंने कहा कि हम अपनी प्रोडक्ट्स बनाना चाहते हैं, तो इसलिए जैसे कंप्यूटर्स में भी उनकी अपनी प्रोडक्ट्स हैं। उन्होंने एक फायर वॉल बना दी चीन के इर्द गिर्द, जैसे फेसबुक है या ट्विटर है ये या व्हाट्सएप, ये चीन में नहीं चलता है, तो इसलिए उनको अपनी प्रोडक्ट्स बनानी पड़ी, उससे उनको फायदा हुआ। और इसी तरह चीन ने इंसिस्ट किया अमेरिकन कंपनीज को कि वो वहाँ पे, जैसे अगर आप बोइंग है, आप चीन को जहाज भेजना चाहते हैं तो आप फैक्ट्री चीन में लगाइए। जैसे टेस्ला है, टेस्ला को भी चीन में फैक्ट्री बनानी पड़ी। तो हिंदुस्तान का रवैया इन सवालों में ज़रा ज़्यादा लिबरल रहा है, और वो अच्छी बात भी है कि हम सब वर्ल्ड विलेज में अब रहते हैं, इसलिए हम सबको इकट्ठे भाईचारे में सब मुल्कों को रहना चाहिए। चीन की जो पॉलिसी रही है वो ज़्यादा नेशनलिस्टिक रही है कि चीन मिडिल किंगडम है दुनिया की, जैसे कि मिडिवल एजेस में चीन की सेल्फ अंडरस्टैंडिंग थी। तो और वो चीज़ें और वो एटीट्यूड अपने प्रॉब्लम्स भी क्रिएट करता है। जैसे इस वक्त चीन का झगड़ा अपने सारे जो हमसाए मुल्क हैं उनके साथ है, साउथ चाइना सी में जो कि चीन की सरहद से बहुत दूर है, वो वहाँ पे भी आइलैंड्स बना रहा है। तो ये जो हाइपर नेशनलिस्टिक व्यू जो चीन का है, वो उसका ये मतलब नहीं कि वो सचमुच चीन को फायदा देगा लॉन्ग रन में। और चीन की भी कई वीकनेसेस हैं, उसमें जो डेमोग्राफिक डिस्ट्रीब्यूशन है पॉपुलेशन का, वो ज़्यादा बूढ़े लोगों का है, तो इसलिए चीन को ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़ेगा कि बूढ़े लोगों की देखभाल के लिए, जैसे कि वेस्टर्न नेशंस में भी है। तो इसलिए चीन, इसीलिए लोग जो एक्सपर्ट्स हैं, इकोनॉमिस्ट हैं, वो सोचते हैं और उनकी समझ में चीन हिंदुस्तान के पीछे हो जाएगा अगले 20 साल में। जो टोटल PPP में तो बहुत ही जल्दी, लेकिन जो नॉमिनल GDP जो डॉलर्स में है उसमें भी चीन हिंदुस्तान के पीछे हो जाएगा अगले 20 साल में। सर, आपने चाइना के हवाले से कहा कि हाइपर नेशनलिज्म है, बिल्कुल मैं आपसे एग्री करता हूँ। भारत में भी नेशनलिज्म की अब बातचीत हो रही है, मैं उसको हाइपर नेशनलिज्म तो नहीं कहूँगा लेकिन नेशनलिज्म है, और नेशनलिज्म को मैं ज़ाती तौर पर कोई बुरे शब्दों में नहीं देखता, मेरे लिए एक बहुत ही अच्छा ये एक एप्टीट्यूड होता है अगर वो पॉजिटिव कॉनोटेशन के साथ चले, जैसा कि भारत में चल रहा है। लेकिन उसको अब बहुत ज़्यादा भारत के अंदर भी तनकीद का निशाना बनाया जाता है, कहा जाता है कि ये जो नेशनलिज्म है ये हमें आइसोलेट कर देगा। आप कैसे देखते हैं साइंस और टेक्नोलॉजी और एजुकेशन के मैदान में ख़ास तौर पर इस नेशनलिस्ट रवैये को? देखिए, मुझे तो ऐसा लगता है कि जो भारत की और पूरे साउथ एशिया की हिस्ट्री 47 के बाद है, वो भारत के अंदर जो एजुकेशन के जरिए जो पढ़ाई गई वो वेस्टर्न व्यू ऑफ इंडिया है, वो सचमुच हिंदुस्तान की अपनी
संस्कृति और सिविलाइजेशन का व्यू नहीं है। अब देखिए, भारत नाम जो शब्द है, भा जमा रत, भा का मतलब है लाइट या विजडम, रत का मतलब है जो एब्जॉर्ब्ड हो। तो भारत वो देश है जिसमें लोग एब्जॉर्ब विजडम में हैं। लेकिन आप देखिए, वेस्टर्न एंथ्रोपोलॉजिस्ट या सोशियोलॉजिस्ट भारत को कैसे देखते हैं और कैसे उसे पढ़ाया जाता है भारतीय यूनिवर्सिटीज में, वो ये है कि भारत सुपरस्टिशियस देश है, साइंस का देश नहीं है, और कास्ट का देश है, जातिवाद का देश है। कास्ट का, जाति तो ठीक है, जाति कम्युनिटीज की बात हुई, लेकिन कास्ट जो कि जो जिस वर्ड का कोई इक्विवेलेंट किसी भी हिंदुस्तानी भाषा में नहीं है, जो हायरार्किकल है, क्योंकि जो जाति थी वो हायरार्किकल नहीं थी। जो 1860s या 1870s में जो सेंसिसेस हिंदुस्तान में हुए, पाकिस्तान में भी हुए, जो सारी जो जातियां थी, तो उन्होंने कहा कि हम सब लोग बराबर हैं एक दो को छोड़ के। लेकिन फिर 1901 के सेंसस में अंग्रेजों ने कहा कि नहीं, ये जातीज हायरार्किकल हैं, और वो गलत है। और अब जो एक्सपर्ट्स हैं, वेस्टर्न एक्सपर्ट्स भी हैं, जैसे प्रोफेसर ईटन, निकोलस डर्क्स, जो पिछले 20-30 साल में कई किताबें लिखी गई हैं, तो वो कहते हैं कि जो सारी सेल्फ अंडरस्टैंडिंग हिंदुस्तान की एलीट क्लास ने पिछले 70 साल में अपनाई, वो गलत है, वो फॉल्स है। और वो सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, जैसे मैं कह रहा था, वो ये थी कि भारत में साइंस नहीं था, भारत हायरार्किकल था। और भी बिल्कुल आसानी से आप बता सकते हैं कि ये सेल्फ अंडरस्टैंडिंग गलत है, क्योंकि अंग्रेजों के आने से पहले 1800 ईस्वी में भारत का वर्ल्ड इकोनॉमी का शेयर 25 से 30% था, और 1914 तक वो घट के 1.4% हो गया था। अब देखिए, 30% टू 1.4% इन 120 years वॉज ए कैटास्ट्रॉफिक पीरियड। इतना हॉरेबल था, लेकिन इतना स्लोली हुआ। और ये इसलिए हुआ, ये इस तरह नहीं हुआ कि उन्होंने खून की नदियां बहला दी। उन्होंने क्या किया अंग्रेजों ने, उन्होंने तो एक तो जबरदस्त टैक्सेशन हिंदुस्तान पे किया, दूसरा जबकि यूरोप में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुई 1820s में, 1830s में, तो वो उन्होंने हिंदुस्तान में वो रेवोल्यूशन होने नहीं दी। तो इसलिए जो हिंदुस्तान है वो अंग्रेजी प्रोडक्ट्स का मार्केट प्लेस बन गया, का कंज्यूमर बन गया। और क्योंकि हिंदुस्तान में जो अपनी इंडस्ट्री थी वो कलेप्स हो गई, इसलिए हिंदुस्तान बहुत गरीब हो गया। इसलिए जो बहुत जो कम्युनिटीज थी, जातियां थी, वो एक दूसरे से लड़ने लगी। और अब हिंदुस्तानियों ने ये समझना शुरू किया कि ऐसी लड़ाई हमेशा थी और ऐसे ही लोग हमेशा ऊपर नीचे थे, वैसा सच कुछ नहीं था, और ये बदलना होगा। और लेकिन हिंदुस्तान में इस वक्त एक वेस्टेड एलीट क्लास है जो एंग्लिसाइज क्लास है, क्योंकि उनको अपनी सिविलाइजेशन या संस्कृति या हिस्ट्री के बारे में ठीक मालूमात नहीं है, तो वो बैक प्रोजेक्ट करते हैं प्रेजेंट को। तो वो समझते हैं कि पास्ट में भी ऐसा ही था, लेकिन पास्ट में वैसा नहीं था। अगर पास्ट में हिंदुस्तान में वैसा ही कास्ट ऑपरेशन या जाति ऑपरेशन रहा होता, तो हिंदुस्तान का शेयर वर्ल्ड इकोनॉमी का 1000 तक तो 40% था, और 1800 तक भी 30% था। तभी तो सारे यूरोपियन जो देश थे वो भारत के साथ क्यों ट्रेड करना चाहते थे, क्योंकि उससे उनको फायदा था, क्योंकि हिंदुस्तान बहुत ही डेवलप्ड देश था। तो इसलिए आप भारत को रोक नहीं सकते, और इस समय जो काफी कुछ इसके खिलाफ प्रोपेगेंडा एलीट मीडिया में होता है, वो उन लोगों को डर है, वो लोग डर फैलाना चाहते हैं कि ये सब चीजें रिग्रेसिव हैं। लेकिन मेरी समझ में रिग्रेसिव नहीं है, मेरी समझ में जो कुछ भी भारत में हो रहा है वो पॉजिटिव है। वो चाहता है सबको एम्ब्रेस करे, सब लोगों को, सब कम्युनिटीज को। वो ये नहीं चाहता कि कुछ कम्युनिटी पीछे हो जाए, सब लोगों को एम्ब्रेस करके, क्योंकि सब लोगों को अपॉर्चुनिटीज हों, कि वो एक तो सोशली और फॉर इंडिविजुअली अपने आप को डेवलप कर सके। कि हर एक आदमी क्या चाहता है कि वो लाइफ में सक्सेसफुल हो, जितना उसमें पोटेंशियल है वो उसको पहुंच पाए। और वैसा उसको पहुंचने के लिए सबसे पहले
हमें जो पॉपुलेशन है उसको डिसअब्यूज करना होगा इस बिलीफ से कि जो पास्ट में भी इनइक्वालिटी वैसे ही थी जैसे इस वक्त है। इस समय मैं ये मानूंगा कि इस समय कुछ कम्युनिटीज हैं वो पीछे हैं, लेकिन हमेशा पास्ट में वैसा नहीं था। और हमें हमें इक्वल इक्विटेबल सोसाइटी बनाने के लिए सब लोगों को अपॉर्चुनिटी देनी होगी, और वैसा हो रहा है हिंदुस्तान में इस वक्त। तभी तो हिंदुस्तान का जो ग्रोथ रेट है पेंडेमिक के बाद भी इकोनॉमिस्ट ये कह रहे हैं कि हिंदुस्तान का जो ग्रोथ रेट है वो चीन के आगे होगा, 8-10% होगा। इसलिए जो चीन और भारत के बीच में डिफरेंस है वो काफ़ी जल्दी घटती जाएगी। सर, यूनिवर्सिटियों के हवाले से आपने कहा कि वेस्टर्न लेंस से एलीट देखने की कोशिश करती है। हम देखते हैं कि उसी एलीट का अभी भी भारत के एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स में और मीडिया पे काफ़ी कब्ज़ा है। तो क्या जो हमारी वहाँ पे नई नेशनलिस्ट अप्रोच आ रही है जिससे भारत के इतिहास को अपनी सही जड़ों के साथ जोड़ा जा रहा है, आपको कितना अरसा लगता है नज़र आ रहा है कि ये टेक ओवर होगा? देखिए, मुझे तो लगता है कि एक तो जो एलीट मीडिया है, वेस्ट इंग्लिश मीडिया है, वो उसका शेयर भारत के मीडिया में अगर आप भारतीय भाषाओं को देखें तो बहुत काफी छोटा है। लेकिन जो वेस्ट के देश हैं वो लोग भारत को हिंदुस्तान के एलीट मीडिया, इंग्लिश मीडिया के लेंस से देखते हैं। तो एक जो पिछले 10-20 साल में और जो ट्रांसफॉर्मेशंस आई हैं जो बहुत इम्पोर्टेंट हैं, और जो भी जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया है जो भारत में चेंज आ रहा है, वो सोशल मीडिया है। तो सोशल मीडिया एक डेमोक्रेटाइजिंग मीडिया है क्योंकि उसमें कुछ सब लोग एक इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं। तो सोशल मीडिया काफ़ी कुछ इसमें कंट्रीब्यूट कर रहा है ताकि लोग जान सकें कि सच्चाई क्या है, हिस्टोरिकल फैक्ट्स क्या हैं। अगर उनको आप पढ़ाया नहीं जा रहा है कॉलेज में तो वो सोशल मीडिया के जरिए भी उन फैक्ट्स को जान सकते हैं। और इसके अलावा इंस्टीट्यूशनली भारत में इस समय न्यू एजुकेशन पॉलिसी के द्वारा भी जो करिकुलम है उसको डेमोक्रेटाइज किया जाएगा, और जो कल्चर के कई अलग पहलू होते हैं उनको भी बुक्स में, जो करिकुलम बुक्स है उनमें जोड़ा जाएगा। देखिए, जैसे केवल पॉलिटिकल हिस्ट्री ही नहीं बच्चों को सिखानी चाहिए, उनको कल्चर के अन्य पहलू जैसे संगीत, जैसे फिलॉसफी, जैसे क्राफ्ट्स, जैसे स्कल्पचर, और जो अन्य चीजें हैं जो कि जिंदगी का के काफी बड़े हिस्से हैं, और लैंग्वेज, लिटरेचर। देखिए, ये कितने अजीब बात है, हम पाकिस्तान की बात 1 मिनट लें कि पाकिस्तान में जबकि 60% लोग पंजाबी हैं लेकिन कॉलेज एजुकेशन पंजाबी में नहीं है, स्कूल एजुकेशन भी शायद पंजाबी में नहीं है। कोई और देश पूरी दुनिया में नहीं है जहाँ के लोग अपनी ही भाषा में उनको पढ़ाया नहीं जाता है। और ये जो चीजें हैं इनको हमें बदलना है। कश्मीर में, जहाँ से मैं हूँ, कश्मीर की वादी में भी कश्मीरी भाषा पढ़ाई नहीं जाती है, स्कूल में नहीं पढ़ाई जाती है, प्राइमरी स्कूल में नहीं पढ़ाई जाती है। क्यों? ये हर एक भाषा तो केवल एक मीडियम है, हर एक भाषा को इक्वल इंपॉर्टेंस देनी चाहिए। इसका मतलब नहीं है अगर आप कश्मीरी में पढ़ रहे हैं आप उर्दू के खिलाफ हैं या हिंदी के खिलाफ हैं या अंग्रेजी के खिलाफ हैं। अपनी मदर टंग में सीखना, बहुत साइकोलॉजिस्ट ये हमें बताते हैं, उस सीखने से हम साइंसेस और आर्ट्स और क्रिएटिविटी ज़्यादा अच्छी तरह कर सकते हैं। मैं अपने बारे में आपको बताऊं कि मैं कश्मीर के छोटे छोटे गांव में मैंने पढ़ाई की, कश्मीर, जम्मू में और लद्दाख में, और मैंने कुछ सब कुछ अपनी भाषा में सीखा। और मुझे लगता है कि मेरे करियर में कि मैंने मेरी एजुकेशन अपनी भाषा में हुई थी, वो मुझे मुझे लगता है अच्छी, उसने मुझे काफी कुछ स्ट्रेंथन किया है।
सर एक और फैक्टर है, भारत की हम कुछ लीडिंग यूनिवर्सिटियों में देखते हैं कि पॉलिटिसाइजेशन स्टूडेंट्स में इस तरह की है कि स्टूडेंट्स का ख्वाब होता है कि हम शहीन बाग करें, हम फार्मर्स प्रोटेस्ट करें। स्टूडेंट्स यूनियन का मकसद हम अमेरिका कनाडा में देखते हैं कि वो अपने करिकुलम से होते हैं, अपने कैंपस के इशू से कंसर्न होते हैं, मगर भारत में बहुत सालों से जो ये पॉलिटिसाइजेशन है कैंपसेस के अंदर, स्टूडेंट यूनियंस के अंदर, क्या वो इफ़ेक्ट नहीं कर रही और मज़ीद नहीं करेगी जो एजुकेशन का स्टैंडर्ड है? देखिए उसके 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 पीछे, जैसे आप कनाडा या अमेरिका की बात कर रहे हैं, अमेरिका के प्राइवेट कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में इस वक्त साल के एक्सपेंस 80,000 से $1,00,000 हो सकते हैं। मतलब बहुत महंगा है, इसलिए आप कॉलेज में उतना ही वक्त रहना चाहते हैं जितने में आपको अपनी डिग्री मिल जाए और उस डिग्री के बाद आपको नौकरी मिलेगी। जो हिंदुस्तान में जिस तरीके से जो कुछ एलीट यूनिवर्सिटी बनी, उसमें अगर आप हॉस्टल में रहने के लिए महीने में सिर्फ $5 दे रहे हो, तो इसलिए आपको उस सिस्टम में आप कहेंगे ठीक है आप एक साल और रहिए, मैं पॉलिटिक्स करूँगा, ये करूँगा, वो करूँगा। तो ये जो मार्केट प्लेस है, मार्केट फोर्सेस भारतीय एजुकेशन में नहीं है पूरी तरह से। अब जब मैं कॉलेज में था उस वक्त भी, कई साल पहले, उस वक्त भी क्योंकि जॉब अपॉर्चुनिटीज उस समय भारत में उतनी नहीं थी, तो कई लोग लॉ यूनिवर्सिटीज़ में 10-10, 15-15 साल रहते थे, और क्योंकि उनकी अपनी यूनियंस भी थी तो वो बस छोड़ते नहीं थे यूनिवर्सिटीज़ को, वो उनके लिए एक ज़िंदगी थी यूनिवर्सिटी में रहने का। तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे एक्सेलरेट हिंदुस्तान की डेवलपमेंट होगी और ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज भी होंगी, तो फिर स्टूडेंट्स खुद ही उनको समझ आएगा कि ठीक है आपने 3-4 साल कॉलेज में बिता लिए हैं तो आपको आगे बढ़ना चाहिए। और एक और पहलू ये है कि जब आदमी, लड़का या लड़की यंग होते हैं तो उस समय ज़्यादा आइडियलिज्म होता है, तो कुछ हद तक थोड़ा बहुत पॉलिटिसाइजेशन भी एक लर्निंग एक्सपीरियंस हो सकती है। तो इसलिए जब तक, सो लॉन्ग एज इट्स विद इन कंस्ट्रेंट्स, ज़्यादा बुरी बात नहीं। सर आपकी जो हैसियत है ख़ास तौर पर साइंस और इनोवेशन के हवाले से, आपका पर्सनल रोल भी और आपकी जो मुशावरत भी है भारत की सरकार को, उस कॉन्टेक्स्ट में हमें ये बताइए कि जो मॉडर्न वेपनरीज है, हम जैसे चाइना की ही मिसाल देखते हैं, वहाँ पे जो इंफॉर्मेशन हमें मिलती है, वहाँ पे मॉडर्न वेपनरीज बहुत बन रही है रिलेटिवली, शायद भारत से ज़्यादा, भारत में रिलेटिवली कम है। अभी हमने अर्जन टैंक के हवाले से देखा कि वो एक उसका अपडेटेड वर्जन भी काफ़ी सालों बाद मिला। तो ये DRDO हैं या इस तरह के जो इदारे हैं बड़े बड़े, वो भी क्या एट पार आपको नज़र आ रहे हैं कि अब हम जाएंगे उस तरफ? देखिए उसमें क्या हुआ है कि भारत ने अपनी गवर्नमेंटली रन इंस्टीट्यूशंस के द्वारा ये कुछ वेपनरी बनाने का फैसला किया कई साल पहले कि ये सब गवर्नमेंट सेक्टर में होंगे, नेशनलाइज्ड सेक्टर में होंगे। लेकिन जो गवर्नमेंट सेक्टर है उसकी कुछ फंडामेंटल मैनेजमेंट प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। अब देखिए हिंदुस्तान में इसरो ने काफ़ी अच्छा किया है सैटेलाइट्स में, और लेकिन वो एक यूनिक इंस्टीट्यूशन है। तो मुझे लगता है कि जो कि हाल में जो कुछ डिसीशंस दिल्ली में लिए गए हैं कि आर्ममेंट्स में या डिफेंस सेक्टर के ज़्यादा हिस्से प्राइवेट सेक्टर में दिए जाएं, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी है, इसलिए आप मैनेजमेंट ज़्यादा निम्बली कर सकते हैं। गवर्नमेंट सेक्टर में डिसीशन मेकिंग अगर बहुत सेंट्रलाइज्ड हो और अगर मार्केट फोर्सेस आपको आपके गलत डिसीशंस के लिए आपको पेनल्टी ना दें, तो फिर डिसीशन मेकिंग क्विक नहीं होती है। तो ये सब चीज़ें बदल रही हैं क्योंकि मोदी जी की सरकार का एक इनिशिएटिव ये है कि ज़्यादा प्रोडक्शन प्राइवेट सेक्टर में चली जाए।
इसके अलावा क्योंकि भारतीय आईटी इंडस्ट्री है वो काफ़ी एडवांस्ड है, सॉफ्टवेयर काफ़ी एडवांस्ड है और काफ़ी इन सब प्रोडक्ट्स के पीछे सॉफ्टवेयर होता है, सॉफ्टवेयर का कंट्रोल होता है, तो इसलिए भारत वहाँ है। लेकिन जो ये डिसीजंस लेने थे कि हमें प्रोडक्ट्स बनानी चाहिए, जिसमें भारत कुछ पीछे रहा, काफ़ी देर तक इन्होंने कहा नहीं हम ठीक है जो हो रहा है वही होने दो। लेकिन आप देखिए जबकि डोनाल्ड ट्रंप को डी प्लेटफॉर्म किया अपने ही मुल्क में, जबकि वो प्रेसिडेंट थे, ट्विटर ने, फेसबुक ने, तो भारत ने अब ये समझ लिया है कि आप प्राइवेट कंपनीज को पूरा कंट्रोल नहीं दे सकते हो, इसलिए आपके पास अपने भी प्रोडक्ट्स होनी चाहिए। तो इससे केवल भारत ही नहीं, कई और मुल्क भी ये फैसला करने वाले हैं कि जो ये इंटरनेशनल कंपनीज हैं उन पे कुछ कंट्रोल्स हों। तो सर, आपने भी पीछे भी जिक्र किया कि चाइना ने कुछ उन पे पाबंदियां लगी, या ख़ुद वो नहीं चाहते थे कि फ्री स्पीच को आने दें, जैसे ट्विटर की बात हुई, यूट्यूब की, तो उन्होंने अपनी एप्स बनाई। भारत और चाइना का जब टेंशन हुआ पिछले दिनों हद से ज़्यादा बड़ा, तो भारत ने चाइना की बहुत सारी एप्स बैन कर दी। इसका मतलब है कि चाइना ने बहुत सारी ऐप्स बनाई हुई थी। अभी आपने जिक्र किया कि ये जो इंटरनेशनल बिग टैक्स हैं, जैसे ट्विटर ने, फेसबुक ने, प्रेसिडेंट ट्रंप को जब वो प्रेसिडेंट थे उनको उनको बैन कर दिया। अब भारत में हम देखते हैं कू का एक प्लेटफॉर्म आया ट्विटर के मुकाबले में, बहुत अच्छा है, मैंने भी उस पर साइन अप किया। तो आपको लगता है कि भारत में अब इस तरह के जो प्लेटफॉर्म्स हैं, जो आज की मॉडर्न दुनिया के प्लेटफॉर्म्स हैं, वो आगे बढ़ेंगे और ये अब तेज़ी से इस तरह के प्लेटफॉर्म सामने आएंगे? बिल्कुल, भारत में अब लोगों ने समझ लिया है कि प्रोडक्ट्स केवल भारतीय इकोनॉमी सर्विस बेस नहीं हो सकती। ये डिसीजंस 20-30 साल पहले हुआ था कि भारत विल बी बैक ऑफिस टू द वर्ल्ड, तो इसलिए हम पूरे जो कंपनीज हैं उनका बैक वर्क भारत में होगा और वो हो रहा है काफी कुछ हद तक। लेकिन अब ये समझ आई है और ये सही समझ है कि भारत में भी प्रोडक्ट्स होनी चाहिए, कि केवल बैक ऑफिस नहीं हो सकता, क्योंकि अगर आपके पास केवल बैक ऑफिस हो वो ईस्ट इंडिया कंपनी की सिचुएशन जैसा है। जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई 18 सेंचुरी में, तो उन्होंने अपनी फैक्ट्रीज बनाई, लेकिन फैक्ट्रीज में बैक ऑफिस में हिंदुस्तानी लोग ही काम कर रहे थे, लेकिन कंट्रोल उनका था। तो इसलिए अब ये समझ आ रहा है कि ये बदलना होगा और ये बदला जा रहा है। भारत में भी अब काफी एप्स आ गई हैं, और एक जैसे चीन और भारतीय एप्स का सवाल है, क्योंकि चीन किसी भी विदेशी ऐप को अपने इंटरनेट पे अलाउ नहीं करता, तो इसलिए ये तो आप मानेंगे रेसिप्रोकल बेसिस पे भारत को भी चीनी एप्स को अलाउ नहीं करना चाहिए जब तक कि चीन अपनी पॉलिसीज बदले। और ऐसे ही चीनी एप्स और अमेरिकन एप्स के बीच में भी होना चाहिए। अगर चीन व्हाट्सएप या फेसबुक या ट्विटर को अपने देश में नहीं अलाउ करता, तो अमेरिका को भी जो चीनी एप्स हैं उनको अलाउ नहीं करना चाहिए। और कई लोग अमेरिका में इस वक्त इस बात ये बात उठा रहे हैं कि इसमें इस पॉलिसी में तब्दीली होनी चाहिए। सर, मैंने आपके कुछ पेपर्स देखे और इंटरनेट पे जब हम आपके हवाले से सर्च करें, तो आप साइंस के बहुत सारे जो रिश्ते नाते हैं वो हमारी हिंदू सिविलाइजेशन के साथ जोड़ते हैं, और बिल्कुल ठीक जोड़ते हैं। उसकी वजह ये है कि न्यूमरोलॉजी हो, एस्ट्रोनॉमी हो, और बहुत सारे शोबे हैं, फिज़िक्स की दुनिया हो जिसमें आप ख़ुद एक एक्सपर्ट हैं, वो वाकई रिश्ते नाते हैं। लेकिन उस पर आपके ख़िलाफ़ फिर वो एक आरोप लगा दिया जाता है, जबकि ऑन द अदर हैंड मुझे याद है बहुत साल पहले मैंने नोबेल प्राइज़ जीतने वाले डॉक्टर अब्दुल सलाम साहब से पूछा कि आप कैसे साइंस को इस्लाम की ऑनरशिप दे रहे हैं, क्योंकि उन्होंने एक किताब में उसका बहुत जिक्र किया, आइडियल्स एंड रियलिटीज़ उनकी किताब थी, फिर उनके बहुत सारे पेपर्स में भी था। तो मैंने डॉक्टर साहब से पूछा कि ये आप कैसे देते हैं,
तो मुझे वो कोई बहुत मुतमिन न कर सके, इसलिए कि बहुत मुश्किल था एक वो जो ऊपर से आया हुआ धर्म होता है उसमें आप कैसे ढूंढेंगे, जबकि हिंदू सिविलाइजेशन जो है वो बहुत ही ज़्यादा हमारी धरती के साथ, इस कायनात के साथ जुड़ी हुई सिविलाइजेशन है और वो धर्म भी है, तो वो हमें रिश्ता नाता समझ आता है। मैं ये जानना चाहता हूँ, जब इस तरह की बात की जाती है जी कि ये हिंदुत्व है, मेरे लिए तो हिंदुत्व वर्ड इट्सेल्फ बड़ा पॉजिटिव वर्ड है, तो आप उसको कैसे देखते हैं, उस जो जो एक तरह से आपको काउंटर करने वाला नैरेटिव होता है उसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, सैयद अल अंदलुसी वो आजकल के स्पेन में 1060 में हिस्टोरियन थे, तो उन्होंने किताब अरबी में लिखी जो कि उस वक्त जो उनकी समझ में साइंटिफिक नेशंस थे, उन्होंने उसमें जिक्र किया हिंदुस्तान का, ईरान का, अरब का, रोम का, यूरोप का। तो उनका कंक्लूजन था, ये 1000 साल की बात है, कि अव्वल देश, फर्स्ट कंट्री फ्रॉम ए साइंटिफिक परस्पेक्टिव इज इंडिया, भारत है उनके 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 नज़रिए में। इस किताब का आपको ट्रांसलेशन अंग्रेजी में भी मिलेगा, शायद इंटरनेट पे भी मिलेगा। तो जो भारत, जब देखिए जो एस्ट्रोनॉमी है, ये सब लोग जानते हैं जो एस्ट्रोनॉमी की हिस्ट्री जानते हैं कि अरबी में भी जो सिंध हिंद और अलग जो एस्ट्रोनॉमी की बुक्स हैं वो हिंदुस्तान की संस्कृत की एस्ट्रोनॉमी टेक्स्ट का ट्रांसलेशन थी। तो इसलिए जहाँ तक कि हिस्टोरियंस का सवाल है, सब लोग समझते हैं कि हिंदुस्तान का कंट्रीब्यूशन आज से 300-400 साल पहले तक सबसे आगे था, यूरोप से आगे था, लेकिन यूरोप में बाद में जो साइंटिफिक रेवोल्यूशन हुई 1700s में न्यूटन और लाइबनीज के बाद, और इस रेवोल्यूशन के पीछे एक मैथमेटिकल एडवांस था जिसको इन्फिनिट सीरीज कहते हैं। लेकिन ये इन्फिनिट सीरीज भी भारत में 200 साल पहले केरला में हो चुकी थी, और ये सब हिस्टोरियंस हैं ये सब मानते हैं, इसमें कोई भी विवाद या डिबेट की बात नहीं है ना। अब जहाँ तक कि कुछ लोग मेरे जो रिसर्च है, जो सब कुछ पीयर रिव्यू जर्नल्स में, आप देखिए स्टैनली वॉल्पर अमेरिका के नंबर वन हिस्टोरियन थे, UCLA में प्रोफेसर थे, उन्होंने 2005 में एनसाइक्लोपीडिया ऑफ इंडिया बनाई जो मल्टी वॉल्यूम है, तो उसमें उन्होंने मुझे पूरी छूट दी, उन्होंने मुझे कहा कि आप किसी भी चीज़ पे आप ऐसे लिख सकते हो। मेरे उसमें 18 एसेज हैं और उनके 19 हैं, जो बाकी बड़े बड़े हिस्टोरियंस आप देखेंगे दुनिया में उनके 1 या 2 या 3 या 4 हैं, तो मेरे उसमें 18 हैं। जो सारे दुनिया में एनसाइक्लोपीडियाज हैं साइंस में, आप उसमें देखेंगे कि मेरे ही आर्टिकल्स हैं, जो मैं कह रहा हूँ इसमें कोई डिबेट नहीं। अब आप देखेंगे कुछ पॉपुलर वेबसाइट हैं जैसे विकिपीडिया है, उसमें जो ये मेरे एकेडमिक दुश्मन हैं, और हर एक आदमी के दुश्मन होते हैं, ये रियलिटी लाइफ है, तो वो ये चीज़ें जोड़ देते हैं, और लेकिन इसमें वो जोड़ने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि ये सब जो कुछ भी मैंने लिखा है वो सब कुछ पीयर रिव्यूड एक्सेप्टेड, क्योंकि एनसाइक्लोपीडिया में जब चीज़ें आती हैं वो तभी आती हैं जब उनकी जनरल एक्सेप्टेंस हुई होती है, क्योंकि उससे पहले अगर आप एकेडमिक जर्नल में अपना ओपिनियन लिखें उसके बाद उसका एनसाइक्लोपीडिया में घुसने में काफ़ी टाइम होता है। आपने क्योंकि अब्दुल सलाम की बात की, मैं भी अब्दुल सलाम को जानता था 1970s में जब मैं इंपीरियल कॉलेज में था, और मैं जानता हूं कि वो क्या कोशिश कर रहे थे, और वो काफ़ी रिलीजियस आदमी थे, ये मैं जानता हूं। लेकिन जो भारत में साइंस हुई है वो सब सब्जेक्ट्स में हुई है। अब देखिए योग या योगा इतना पॉपुलर पूरी दुनिया में क्यों है, क्योंकि योगा एक साइकोलॉजी है, तो हिंदुस्तान में साइकोलॉजी थी, हिंदुस्तान में आर्किटेक्चर था, तभी इतने कॉम्प्लिकेटेड जो स्ट्रक्चर्स हैं मंदिरों के या बड़े बड़े किलों के, तो उसके पीछे इंजीनियरिंग थी, और क्या था, आप
बड़ी नेटवर्क ऑफ कैनाल्स थी, नहरें थी, तो इसलिए बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हुए करते थे और उसके पीछे साइंस थी और आइडिया कि मटेरियल वर्ल्ड के पीछे एटम्स हैं, ये तो बहुत ही पुराना है, 2500 साल पुराना है। इसको वैशेषिक सूत्र कहते हैं कि चार डिफरेंट काइंड के एटम्स होते हैं। और जो साइंस, जो हिस्टोरियंस हैं, ये मानते हैं कि साइंस ग्रीस में, यूनान में बनी और हिंदुस्तान में भी आई। यूनान की साइंस के कुछ स्पेशल फीचर्स थे, हिंदुस्तान की साइंस के कुछ स्पेशल फीचर्स थे, और ये सब आके अब जुड़े हुए हैं। और क्योंकि अब हम हिस्ट्री में ऐसे मुकाम पे पहुंचे हैं जिसमें कि इस वक्त जो इनर वर्ल्ड है, जो कॉन्शियसनेस है, वो प्राइमरी प्रॉब्लम है, उसको समझना। इसलिए जो अब इंडियन साइंस है, अब पहले से काफी ज्यादा सेंट्रल बन गई है। और इसलिए जो इंडियन साइंस, एक और वजह है कि आइंस्टाइन की 1905 जो स्पेशल थियोरी ऑफ रिलेटिविटी निकली, और उसके बाद जो क्वांटम मैकेनिक्स है जिसपे पूरी साइंसेस बेस्ड हैं, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ब्रेन साइंस, उसके पीछे भी ऑब्जर्वर का जो ऑब्जर्वर को जोड़ना साइंस के साथ, वो फंडामेंटल बना। और जो क्वांटम मैकेनिक्स का जो इन्वेंटर श्रोडिंगर ऑस्ट्रियन फिजिसिस्ट था, वो अपनी ऑटोबायोग्राफी में तो ये लिखते हैं कि उनको सेंट्रल आइडिया, साइंस नहीं, सेंट्रल आइडिया, इंस्पिरेशनल आइडिया हिंदुस्तानी टेक्स्ट से मिला। तो इसलिए जो लीडिंग फिजिसिस्ट हैं, वो ये मानते हैं कि भारतीय आइडियाज अभी भी रेलेवेंट हैं। और वो इसलिए रेलेवेंट है, सबसे पहले कि जो भारत का की साइंस है, वो मानता है कि पूरे नेचर में साइंटिफिक लॉज हैं। तो इसलिए हम ये नहीं कहते हैं कि कोई सुपरस्टिशियस फोर्सेस, कोई मिस्टीरियस फोर्सेस वर्क कर रहे हैं, नहीं, सब कुछ पीछे लॉज हैं, और उनको जानना, हमें जानने की कोशिश करनी चाहिए। लेकिन जो भारतीय संस्कृति ये भी मानती है कि इनर वर्ल्ड भी है, उसके भी अपने लॉज हैं, और उनको भी आप समझ सकते हो अगर आप उस पे एफर्ट करें। और वही एफर्ट जो वैदिक ऋषि थे, वो उस एफर्ट को उन्होंने फिर आत्मविद्या कहा, और उसी को वेद कहते हैं, और वेद का मतलब भी नॉलेज है। तो इसलिए जो भारतीय संस्कृति है, वो नॉलेज संस्कृति है। सर, आप इनर कॉन्शियसनेस की बात कर रहे हैं, बहुत इम्पॉर्टेंट बात है। क्या कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारे जो आउटर वर्ल्ड में चीज़ें तेज़ी से तब्दील हो रही हैं, जैसे इंटरनेट के ज़माने तक आते आते बहुत चीज़ें रैपिड पेस में चल रही हैं, लेकिन जो हमारा इनर है, मैं एक आम आदमी की बात करता हूँ, हिंदू सिविलाइजेशन से जो हटके लोग हैं दुनिया के, स्पेशली अब्राहमिक रिलीजन्स के जो लोग हैं, वो अपने इनर कॉन्शियस में बहुत ही लिमिटेड पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं। तो वो जो आउटर वर्ल्ड का फास्ट पेस है और इनर वर्ल्ड का एक ही जगह रुके रहना है, ये जो क्लैश है, इसका कोई सलूशन हमारी भारतीय सिविलाइजेशन साइंस और टेक्नोलॉजी के साथ मिलकर आगे मैनकाइंड को कुछ दे सकता है? बिल्कुल। देखिए, वेस्टर्न स्कूल्स और कॉलेजेस में, सबसे पहले आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि बहुत ज़बरदस्त स्ट्रेसेस आ गए हैं, क्योंकि जो टेक्नोलॉजी है, इंटरनेट है, फोन, स्मार्टफोन्स हैं, इतनी चीज़ें हो रही हैं, आपको हर मिनट कितनी ईमेल्स को जवाब देना है, या प्रोग्राम्स हैं, आप चीज़ें देख रहे हैं, मूवीज़ देख रहे हैं, ये देख रहे हैं, वो देख रहे हैं, तो जो माइंड है, क्या ये इन सब स्ट्रेसेस के साथ डील कर सकता है, ये सवाल उठता है। और कई लोग ये कहते हैं कि शायद नहीं कर सकता, और इसलिए भी कुछ लोग ये भी कहते हैं कि अगर अमेरिकन बच्चे चीनी और हिंदुस्तानी बच्चों के साथ कंपीट नहीं कर पा रहे हैं इस वक्त अमेरिकन यूनिवर्सिटीज में ही, अब देखेंगे सबसे ज्यादा पीएचडीज या चीनी बच्चों को मिल रही है या हिंदुस्तानी बच्चों को मिल रही है अमेरिका में। सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में आप देखिए, कैलिफोर्निया जाइए, हिंदुस्तानी लोग इतने प्रिडोमिनेंट पोजिशन में हैं, और फिर आप एंटरप्रेन्योरशिप में भी देखिए, हिंदुस्तानी लोग जबरदस्त प्रिडोमिनेंट पोजिशन में हैं। और स्टेटिस्टिक्स हैं कि जो हिंदुस्तानी लोग अमेरिका में सबसे रिचेस्ट कम्युनिटी इस वक्त है, बाकी सब एथनिक ग्रुप्स के आगे, चीनियों, यहूदियों,
के आगे है। क्यों है? क्योंकि जो हमारी हमारा अप्रोच है बैलेंस एंड हार्मनी बिटवीन द इनर एंड द आउटर, थियोरी जानने के बिना ये हम सब चीजें अपने ग्रैंड मदर से, ग्रैंड फादर से, अपने बाकी जो कल्चर के डिफरेंट एलिमेंट्स हैं उनसे इनडायरेक्टली सीखते हैं। तो वो हमें कुछ ऐसे फैसिलिटेट करता है हमें ज्यादा बैलेंस करने के लिए और इन स्ट्रेसेस से डील करने के लिए। जो वेस्ट में यदि आप केवल आउटसाइड आउटर वर्ल्ड को फोकस कर रहे हैं, बच्चों को स्कूल में कहते हैं कि ठीक है आप दौड़ो, ये करो, खेलो, वो सब चीजें अच्छी हैं, लेकिन ईस्ट में, चीन में भी, और इसमें चीन या जापान या कोरिया, हिंदुस्तान जैसा है, उसमें बच्चे को ये भी कहा जाता है कि आप बैठिए, कुछ देर चुप रहिए। चुप रहने से आप अपने आप पे ज्यादा कंट्रोल कर पाओगे। तो ये चीजें जो हैं, ये एस्पेक्ट ऑफ टर्निंग इनवर्ड्स जो कि वेस्ट में अभी तक डी एम्फेसाइज किया है, लेकिन ये भी वेस्ट में भी लोग समझते हैं कि हमें भी बदलना है। जैसे मेरे बच्चे जब स्कूल में यहाँ थे अमेरिका में, तो उनको योगा सिखाया जाता था, उनको ये भी बताया जाता था कि मेडिटेशन करनी चाहिए, और मेडिटेशन क्या चीज है? टर्निंग इनवर्ड्स। तो ये जो स्ट्रेंथ्स हैं भारतीय संस्कृति की, ये अन्य देशों में, यूरोप और अमेरिका में भी आगे बढ़ेंगी, क्योंकि हर एक ग्रुप ये चाहता है कि वो लोग कंपीट कर पाए। उनके बच्चे भी स्मार्ट हैं, हम सब लोग इक्वली स्मार्ट हैं हर एक देश के, लेकिन क्या ऐसी कैपेसिटीज हैं जो कि कुछ लोगों को ज्यादा फोकस देती हैं? अगर ज्यादा चीनी और इंडियन बच्चे पीएचडी कर रहे हैं, इसलिए वो इसलिए नहीं कि वो ज्यादा स्मार्ट है अमेरिकन बच्चों से, वो इसलिए क्योंकि उनमें ज्यादा फोकस, वो कैपेसिटीज है कि मैं फोकस करूंगा, मुझे अपने ग्रेटिफिकेशन को पोस्टपोन करना चाहिए 4 या 5 साल। मैं 4 5 साल कंपैरेटिव गरीबी में रह सकता हूँ और उसके बाद चीजें ठीक हो जाएंगी। तो ये सब चीजें, एटीट्यूड्स हमें अपनानी पड़ेंगी, और ये लोग सब समझ रहे हैं। सर, आखिर में मैं जानना चाहूँगा कि आप अपनी बहुत सारी पोजीशंस की हैसियत में कैसे भारत की सरकार को थोड़ा और एक कदम आगे लेकर मशवरा दे सकते हैं कि वो साइंस और टेक्नोलॉजी की दुनिया में प्राइवेट सेक्टर्स को ज़्यादा आगे लेकर आएं। जो पीछे आपने बात की मॉडर्न वेपनरी में कमी इसलिए रही कि वो सरकार के इदारे बना रहे थे, या इसी तरह किस तरह भारत में साइंस और टेक्नोलॉजी दो कदम आगे जाए, किस तरह आप इसको आगे कन्विंस कर सकते हैं? इसपे कई सालों से डिस्कशंस होते रहे हैं, और जो अब एटीट्यूड्स भारत ने अपना लिए हैं, अपने पॉलिसी का हिस्सा उनको बना दिया है। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल मदर टंग में साइंस होनी चाहिए, दूसरा सब चीजें गवर्नमेंट नहीं कर सकती, तीसरा लोगों को भी सरकार पे डिपेंड करने को छोड़ के खुद इकट्ठे मिलके, जैसे एंटरप्रेन्योर्स को, बिजनेस पीपल को इनिशिएटिव लेने हैं। सब चीजें इनिशिएटिव सरकार से नहीं ली जा सकती हैं, और इसीलिए जैसे अमेरिका जैसा मुल्क है, ये इतना एडवांस्ड है क्योंकि इसमें बहुत कुछ प्राइवेट सेक्टर में होता है और बहुत कम गवर्नमेंट सेक्टर में होता है। तो ये जो अच्छे एलिमेंट्स हैं वेस्ट के, वो भी भारत को अपनाने पड़ेंगे और तेजी से अपनाने होंगे, और वो अपनाए जा रहे हैं। मुझे, मेरी समझ में ये सब जो पॉजिटिव इनिशिएटिव्स हैं, ये ऑलरेडी भारतीय गवर्नमेंट पॉलिसी का हिस्सा हैं, लेकिन जो जहां चेंज आनी चाहिए वो सरकार के बदले प्राइवेट सेक्टर में, जैसे जो बिजनेस लीडर्स हैं या एकेडमिक लीडर्स हैं, उनको ज्यादा इनिशिएटिव लेना होगा। बिजनेस लीडर्स को इनिशिएटिव लेना होगा कि ठीक है हम खुद ही मिलके प्रोडक्ट्स बनाएंगे, क्योंकि सरकार ये प्रोडक्ट्स नहीं बना सकती। जैसे इंटरनेट की प्रोडक्ट्स हैं, सरकार नहीं बना सकती, उनको बनानी भी नहीं चाहिए। और केवल स्टार्टअप्स भी ठीक तरह से नहीं बना सकते हैं, क्योंकि इसमें नई टेक्नोलॉजी की बात नहीं है, इसमें मार्केटिंग और फिर मैनेजमेंट की बात है, और इसके लिए जो एस्टैब्लिश्ड कंपनीज हैं जिनके पास मार्केटिंग और मैनेजमेंट स्किल्स हैं,
उनको मिल के ये फैसला करना होगा कि हम किस तरीके से वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट्स बनाएं, और वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट्स बनाएं ये मन में रख के कि ये सब केवल हमारे ही देश के लिए नहीं, बाकी देशों में भी इनका यूज हो, और उसमें हम एक ऑल्टरनेटिव बनेंगे। जैसे चीन का तो हाइपर नेशनलिज्म है, वो केवल अपने ही लेंस से दुनिया को देखते हैं। मुझे लगता है कि भारत को एक ज्यादा उदार, लिबरल, ऑल एम्ब्रेसिंग पर्सपेक्टिव लेके आगे बढ़ना होगा, और वो वही रुख उन्होंने अपनाया है मेरी समझ में। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें समय दिया, और हम आने वाले दिनों में भी चाहेंगे कि ख़ास तौर पर जो हमारा टैग टीवी का इनिशिएटिव है, भारत एजुकेशन एंड टेक्नोलॉजी सीरीज़, उस सिलसिले में आपसे और सीखें, क्योंकि आपसे हम सीखेंगे तो हमारे व्यूअर्स भी सीखेंगे, और उससे भारत के अंदर भी एक अवेयरनेस का जो सिलसिला है वो और फैलेगा। हम बहुत ममनून हैं आज आपने हमें वक्त दिया। धन्यवाद, शुक्रिया, बहुत अच्छा रहा। थैंक यू सर, थैंक यू। व्यूर्स, बातचीत आप सुन रहे थे एक बहुत ही नामी गिरामी हस्ती और हमारे आज के अहद के एक प्रोमिनेंट साइंटिस्ट जनाब सुभाष काक साहब की। हम कोशिश करेंगे कि उनका कीमती वक्त हम वक्तन फवक्तन लेते रहें और आप तक उनकी राय पहुंचाते रहें। भारत एजुकेशन एंड टेक्नोलॉजी सीरीज़ के सिलसिला में टैग टीवी का आज का खसूसी शो देखने का बहुत शुक्रिया। Subscribe Tag TV YouTube channel and press the notification button.